नमस्ते मेरे प्यारे फैक्टर्स, आज आपका फैक्टू आपको एक ऐसे एस्टेरॉयड के बारे में बताने जा रहा है जिससे धरती को बहुत खतरा है। बिना देरी किए चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। हवाई जहाज आकार जितना एक एस्टेरॉयड आज धरती से टकरा सकता है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अलर्ट भी जारी किया है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉयड का आकार करीब 99 फीट है। चेतावनी जारी हुई है कि 11 जून को शाम 4:30 बजे करीब यह एस्टेरॉयड धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। यह एस्टेरॉयड करीब 30,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ बाज रहा है। नासा की टीम ने इस एस्टेरॉयड को 2024 CR9 नाम दिया है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि इसी तरह की घटना 52,000 साल पहले भी हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी आकार का एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था, तब तबाही मची थी। अगर ऐसी घटना फिर होती है तो पृथ्वी में 2.2 किलोमीटर लंबा और 467 मीटर गहरा गड्ढा बन जाएगा। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी धरती से टकराने की संभावना बेहद कम है। ज्यादातर इस एस्टेरॉयड के धरती से बेहद नजदीक से गुजरने की संभावना है। एस्टेरॉयड के धरती से टकराने पर क्या होगा? नासा ने यह भी कहा कि 7.4 मिलियन किलोमीटर की दूरी से धरती की तरफ बियाज रहे इस एस्टेरॉयड का आकार 330 मीटर चौड़ा और 750 मीटर लंबा है। अगर यह एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया तो इससे पृथ्वी पर 424 मेगाटन के बराबर ऊर्जा निकलेगी। इससे तबाही मच सकती है और आसपास का इलाका पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। आसपास की इमारतें ध्वस्त हो सकती हैं। एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड असल में एक चट्टान है। इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं होता। यह हमारे सौर मंडल का हिस्सा जरूर होता है, लेकिन न यह ग्रह की श्रेणी में आता है और न ही उपग्रह। यह हमारे सौर मंडल के भीतर परिक्रमा करता रहता है। एस्टेरॉयड्स के आकार में भी काफी भिन्नता होती है। इनका व्यास 1 किलोमीटर से लेकर 1,000 किलोमीटर तक हो सकता है। इससे पहले नासा ने एक अन्य एस्टेरॉयड को लेकर भी चेतावनी दी थी कि 280 फीट आकार जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड 21 अप्रैल को पृथ्वी से टकरा सकता है। इस एस्टेरॉयड को 2024 जीएम नाम दिया गया था। हालांकि हुआ यूं कि यह धरती के पास से गुजरा और फिर घूमकर उसी तरफ निकल गया जहां से आया था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो से पूर्ण जानकारी मिली होगी। कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे 100 फैक्टर्स यानी सब्सक्राइबर्स करवाएं।